नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंक मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। अगले कंटेस्टेंट हमारे बीच आ रहे हैं गौरी देशपांडे। गौरी देशपांडे आप कहां से हैं? नवी मुंबई में रहते हैं? पनवेल से। पनवेल से हैं? और कैसे पता चला नवी मेडल के बारे में? फ्रेंड आए थे यहाँ पे दीपक दलवी करके, वो सेकंड राउंड क्रॉस कर चुके हैं। ओके, तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं आज? लग जा गले लता जी का। ओके, आइए सुनते हैं लता दीदी का लग जा गले। लग जा गले के प्रिय हसी रात हो I'm not afraid to die।
क्या बात है, आपको क्या लगता है आज रजिस्ट्रेशन क्लोज करने चाहिए कि और डेट बढ़ानी चाहिए? क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दूं? क्या आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं डर नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है। एक्चुअली 15 डेज बिफोर ही हमने एंट्रीज क्लोज की थी, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस था लास्ट मोमेंट पे, तो हमने एंट्रीज ओपन रखी है। जिस दिन हमने एंट्री क्लोज करने का डिसाइड किया था तभी हमारे पास अराउंड 70 एंट्रीज थी, बट अभी 117 है और भी कुछ लोग आ रहे हैं रात तक, तो मुझे लगता है जो ग्रैंड फिनाले है उसमें बहुत ही सॉलिड कंटेस्टेंट जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा उस दिन। आपका फास्ट ट्रैक आप गा सकते हैं ना अभी?
आइए सर क्या कहते हैं सुनते हैं। पहला सॉन्ग जो आपने लिया वो लग जा गले काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा सा जो ऊपर के नोट्स से उस पर आप थोड़ा सा और ट्राई करें, मतलब आप गाती हैं, आपने क्लासिकल सीखे हुए हैं? हाँ, मैं क्लासिकल के एग्ज़ाम्स दिया है मैंने, 5 एग्ज़ाम्स दिए हैं मध्यमा पूर्ण तक। ओके, बाकी जो सेकंड सॉन्ग आपने फास्ट नंबर लिया, अच्छा लिया, लेकिन आपने अपने परफॉर्मेंस में भी ध्यान देना है। अच्छा, मतलब आपने खाली स्टैंडिंग होके गाया, जो वो पहले सॉन्ग के लिए ज़रूरी था, सेकंड सॉन्ग के लिए आपको एंजॉय करना है। मतलब जितना आप एंजॉय करेंगे, सामने हम जो बैठे ऑडियंस जो बैठे वो उनसे आपको इंटरेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। जैसे सर ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस गाने की डिमांड है कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन में हम जैसे रियलिटी शोज देख रहे हैं टीवी पर, क्योंकि ये भी टीवी पे आने वाला है। हाँ। तो लोग आपको देखने वाले हैं, तो ये परफॉर्मेंस होना चाहिए इसमें, क्योंकि उसके भी मार्क्स है इसमें, सिर्फ सिंगिंग क्वालिटी तक नहीं है सीमित, इसमें आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी देखी जाएगी, तो इस पर आपको ध्यान देना है। और पहले गाने में मैं बोलना चाहूँगा, लग जा गले में जो आप लास्ट में अंतर में उतरते हो, तो वहाँ आपको सांस कमी, मुझे पता चला को। तो उसको उससे पहले आपको जान लेना है कि हमें कितनी सांस लेनी है, कहाँ लेनी है। ओके, उसका ध्यान रखें। थैंक यू। नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंडलम्बई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। जिंदगी गले लगा ले